हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी हैदराबादी दम चिकन बिरयानी। आप इस तरह से वह ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। और चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे 1/2 kg चिकन लिया है और उसका साइज़ मैंने मीडियम रखा है। आप अपने हिसाब से चिकन का साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम दही डालेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 6 से 7 चम्मच दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना ले, नॉर्मल दही ले। अब इसमें लगभग 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे और 1 नींबू का रस पूरा डाल दे। अब इसमें हरी मिर्च डाल दे। मैंने यहाँ पे लगभग 6 हरी मिर्च काट कर लिया है। अब इसमें हम कुछ खड़ा गरम मसाला डालेंगे, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। आप चाहे तो इसमें जावित्री और फूलचक्र भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच चिकन बिरयानी मसाला लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। मैंने हल्दी ऐड नहीं किया है, नमक स्वाद अनुसार डाल दें। और इसमें फ्राई किया हुआ प्याज डाल दें। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को फ्राई करके लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल दें और हरा धनिया डाल दें। पुदीना का अमाउंट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें लगभग 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिला दें। ये अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसे कवर कर दें और एटलीस्ट इसे 2 घंटा मैरिनेट करके आप रख दें। चाहे तो आप इसे ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं, एटलीस्ट लेकिन 2 घंटा ज़रूर रखें। मैंने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, 2 घंटा कम्प्लीट हो चुका है। चलिए बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम बासमती राइस लिया है और जिसे 20 मिनट के लिए मैंने भिगोकर रखा हुआ है। अब 20 मिनट हो चुका है, इसका पानी अच्छी तरह से आप निकाल के फेंक दें और इसे रब ना करें, नहीं तो चावल टूट जाएगा। अब एक बर्तन में पानी गर्म करने रख दें। अब इसमें थोड़ा सा जावित्री, 1 इलायची और 2 लौंग डाल दें। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें और 1 चम्मच तेल डाल दें और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने दें। जब तक पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम चिकन को बर्तन में डाल लेते हैं। अब बिरयानी बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा बेस वाला बर्तन ले और इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर ले। ऐसा करने से चिकन हमारा बर्तन में चिपकेगा नहीं। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। चिकन को अच्छी तरह से फैला दें और हम अब चेक करते हैं पानी बॉईल हुआ या नहीं। पानी उबल चुका है, अब इसमें हम राइस डाल देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लें। राइस को हमें मीडियम फ्लेम में बस 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। आप देख सकते हो ये उबल चुका है और 3 मिनट कंप्लीट हो चुका है। हम राइस को निकाल लेते हैं क्योंकि ये 50% पक चुका है, हमने इसे भिगो कर रखा था, इसलिए ये 3 मिनट में ही पक जाता है। अब इसके ऊपर राइस का लेयर डाल दें और राइस से अच्छी तरह से चिकन को कवर कर दें। अब इसमें हम राइस का दूसरा लेयर डालेंगे और जिसे पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, अब उसका फ्लेम आप ऑफ कर दें और सारा राइस को पानी से छान कर निकाल लेंगे और इसका दूसरा लेयर आप इसमें डाल दें। अब इसमें हम केसर वाला पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 पिंच केसर को गर्म पानी में भिगो कर रखा था और इसमें अब डाल दें। आप चाहे तो इसकी जगह पे फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऊपर से फ्राई किया हुआ प्याज डाल दें, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हरी मिर्च डाल दें और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दें। अब इसे हम अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि इससे भाप ऊपर ना आए, क्योंकि हमने चिकन को कच्चा रखा है इसीलिए इसे भाप बिल्कुल ऊपर नहीं आए। आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें और ऊपर से एक ढक्कन लगा दें। आप चाहे तो इसे आटे के साथ भी सील कर सकते हैं। अब इसे गैस पर रख दें और हाई फ्लेम में इसे 5 मिनट तक पकने दें। 5 मिनट कम्प्लीट हो चुका है, अब गैस के ऊपर एक तवा रख दें और उसके ऊपर आप बिरयानी रख दें और इसे लो फ्लेम में कम 25 मिनट तक पकने दें। ध्यान रखें, लो फ्लेम में आप इसे 25 मिनट तक पकने दें तवे के ऊपर। 25 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे तवे पर ही 5 मिनट के लिए आप रहने दें। 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब इसे हम तवे से उतार लेते हैं
अब बिरयानी चेक कर लेते हैं, ये अभी भी गर्म है। आप देख सकते हो इससे भाप ऊपर आने लग गया है और ये कितना अच्छा सा कलर इसमें आया है। और राइस भी हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और एक एक दाना अलग अलग है। इसे बड़े आराम से नीचे से ऊपर करते हुए मिलाएं, नहीं तो राइस आपका टूट जाएगा। और हमारा हैदराबादी दम बिरयानी चिकन रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म रायता के साथ सर्व करें, आपको इसका टेस्ट बहुत पसंद आएगा।